नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को माधुरी पुस्तक के माध्यम से 5-6 घमंडी दबा से संबंधित मौखिक कौशल और लिखित कौशल दोनों करवाया था। आज मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित भाषा कौशल कराने जा रहा हूं। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखते जाइएगा। देखिए, भाषा कौशल में आपका पहला नंबर इन शब्दों में से विशेषण और संज्ञा छाटो। इन शब्दों में से विशेषण और संज्ञा छाटो। तो पहले मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बतलाने जा रहा हूं और संज्ञा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रकृति में या जहां भी हम लोग किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। विशेषण में जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यही विशेषण और संज्ञा दोनों हम लोग को अलग अलग करना है। जैसे आप लोगों को देखिए उदाहरण में दिया गया है मोटा आदमी, इसमें देखेंगे आप मोटा जो है विशेषण है और आदमी जो है संज्ञा है। कैसे? तो यह आदमी कैसा है यानी आदमी की विशेषता कैसा बताया जा रहा है मोटा। तो यह आदमी की विशेषता मोटा शब्द से बताया जा रहा है, इसलिए मोटा आदमी में विशेषण जो होगा आपका मोटा होगा और संज्ञा जो होगी वो आपकी आदमी होगी, क्योंकि आदमी की विशेषता ये मोटा बतला रहा है। इसी तरह से आपको इन शब्दों में से विशेषण और संज्ञा छांटना है। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आपको विशेषण और संज्ञा दोनों अलग अलग कर देना है। जैसे देखिए, ये आपका पहला नंबर है सुंदर बाग, दूसरा हरी घास, तीसरा बड़ी दीवार, चौथा नुकीले पत्थर और पांचवा है मधुर संगीत। ये रहा आपका सुंदर बाग, दूसरा हरी घास, तीसरा बड़ी दीवार, चौथा नुकीले पत्थर और पांचवा मधुर संगीत। इन्हीं पांच शब्दों में से आपको विशेषण और संज्ञा दोनों अलग अलग करने हैं। तो इसमें आप देखिए सुंदर बाग, सुंदर बाग में आपका विशेषण होगा सुंदर और संज्ञा होगी बाग, क्योंकि बाग की विशेषता सुंदर बतला रहा है, इसलिए सुंदर जो है विशेषण है। उसी प्रकार से हरी घास, हरी जो होगा आपका विशेषण होगा और घास जो है संज्ञा होगी, क्योंकि घास की विशेषता ये हरी बतला रहा है, हरी शब्द से, अतः यह हरी जो है विशेषण है और घास जो है संज्ञा है। इसी तरह से तीसरा नंबर आपका बड़ी दीवार, बड़ी दीवार में आप देखेंगे दीवार कैसी है, बड़ी है, तो दीवार की विशेषता बड़ी शब्द से आ रहा है, इसलिए बड़ी जो है वह विशेषण है और दीवार जो है संज्ञा। चौथा नंबर नुकीले पत्थर में नुकीले जो है ये आपका विशेषण है और संज्ञा जो है पत्थर है। और लास्ट आपका पांचवा नंबर मधुर संगीत, यानी मधुर जो है आपका विशेषण होगा और संगीत जो होगी संज्ञा होगी, क्योंकि संगीत की विशेषता जो है मधुर शब्द से मालूम पड़ रही है, इसलिए मधुर जो है यह विशेषण है और ये संज्ञा जो है संगीत है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि सुंदर बाग में सुंदर विशेषण और संज्ञा बाग रहा, हरी घास में हरी विशेषण और घास संज्ञा, बड़ी पत्थर में बड़ी विशेषण दीवार संज्ञा,
नुकीले पत्थर में नुकीले विशेषण और पत्थर संज्ञा और मधुर संगीत में मधुर विशेषण और संगीत जो है संज्ञा है। इस तरह से ये आपका पहला नंबर समाप्त हुआ। और ख नंबर में देखिए, ये ख नंबर समाप्त हुआ। ख नंबर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको एक शब्द लिखना है। तो इस तरह से देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। पहला है आपका घमंड करने वाला। पहला आपका वाक्य है घमंड करने वाला। तो जो घमंड करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द है घमंडी। दूसरा नंबर, अपने मतलब की बात करने वाला। जो अपने ही मतलब की बात करता हो उसको हम लोग मतलबी कहेंगे, है ना। और तीसरा है जहाँ वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, यानी वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, विद्यालय। चौथा नंबर, जिसमें नोक हो। जिसमें नोक हो उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या करेंगे, नुकीला। जिसमें नोक हो उसको नुकीला कहेंगे, उसके लिए एक शब्द नुकीला है। और पांचवा नंबर, जिसे देखकर आश्चर्य हो। जिसे देखकर आश्चर्य हो उसके लिए आश्चर्यचकित। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप देख रहे हैं, घमंड करने वाले को घमंडी कहते हैं, अपने मतलब की बात करने वाले को मतलबी कहते हैं, और वह स्थान जहाँ पढ़ने जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको विद्यालय कहते हैं, और चौथा नंबर जिसमें नोक हो उसको नुकीला कहते हैं, और पांचवा जिसे देखकर आश्चर्य हो आश्चर्यचकित कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दो नंबर है, इसमें आप देखेंगे इन शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और ऐसा प्रयोग करना है या ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें जो ये दिए गए शब्द हैं वो उसमें आ जाए। जैसे ये प्रतिदिन है तो प्रतिदिन आप ऐसा वाक्य बनाएंगे जिस उस वाक्य में प्रतिदिन आना अनिवार्य है। इसलिए प्रतिदिन का वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे तो इसका, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। बच्चों इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, इस वाक्य में प्रतिदिन आया है, अतः यह वाक्य प्रयोग सही है। दूसरा नंबर, कोमल। हम सबका हृदय कोमल होना चाहिए। कोमल का वाक्य प्रयोग, हम सबका हृदय कोमल होना चाहिए। इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं कि कोमल शब्द आया है, अतः यह वाक्य सही है प्रयोग। और तीसरा नंबर, प्रशंसा। किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। चौथा नंबर, संगीत। हमें मधुर संगीत सुनना चाहिए। और पांचवा नंबर, आंसू। बेकार के आंसू नहीं बहाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इस वाक्य में आपका जो प्रतिदिन, कोमल, प्रशंसा, संगीत और आंसू, ये जो वाक्य दिए गए हैं ये वाक्य प्रयोग में ये शब्द आए हैं, अतः ये आपका वाक्य प्रयोग जो है प्रतिदिन का, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, कोमल, हम सबका हृदय कोमल होना चाहिए, और तीसरा, प्रशंसा, किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, संगीत, हमें मधुर संगीत सुनना चाहिए, और पांचवा, आंसू, बेकार के आंसू नहीं बहाना चाहिए। इस तरह से ये आपका भाषा कौशल समाप्त हुआ। अब हम बच्चों ये आपका घमंडी का भाग पाठ छह। इस तरह से आपका मौखिक कौशल, लिखित कौशल और भाषा कौशल ये तीनों समाप्त हो गए। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अगले दिन पाठ सात, प्रेम की जीत, मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा। तब तक आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में इनका भाषा कौशल तक सभी नोट कर लीजिएगा और विद्यालय खुलने पर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इसके साथ ही आप लोग प्रतिदिन एक पेज सुंदर राइटिंग अवश्य लिखिएगा, यह भी आपका देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद।